जीरोधा ग्रोथ जैसे सभी ब्रोकर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब हम एग्जांपल्स के साथ उनके चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। इसके अलावा हम ब्रोकर्स का डिटेल कंपैरिजन भी हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं जिसके बाद हमें इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सपोज करो ये है राजू। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और मुझे एक साल के अंदर 20% का रिटर्न मिला। दूसरा दोस्त कहता है कि भाई मैंने भी 2 साल पहले 1,00,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे तो मुझे 50,000 का फायदा हुआ। ये सुनकर राजू कहता है कि क्या बात कह रहे हो भाई, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, मुझे भी ये ट्रिक बताओ। यहाँ पर उसके दोस्त बताते हैं ये कोई ट्रिक नहीं है, तू भी अपने शेयर मार्केट में पैसे लगा सकता है। इन लोगों की बातें सुनकर इन लोगों से इंस्पायर होकर राजू भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है। लेकिन राजू अपने दोस्तों से पूछता है कि मैंने सुना है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है और वो डीमैट अकाउंट मैं किस ब्रोकर के पास खुलवाऊं। यहाँ पर उसका एक दोस्त कहता है कि भाई तू ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा ले, मुझे 300 रुपए मिलेंगे, उसमें से 100 रुपए तू रख लियो। दूसरा फ्रेंड कहता है भाई तू अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलवा ले, मुझे 300 रुपए मिलेंगे, उसमें से 150 रुपए तू रख लियो। तीसरा फ्रेंड कहता है तू जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा ले, मैंने तुझे रिया का नंबर दिया था ना, अगर तू मेरा पक्का फ्रेंड होगा तो तू जीरोधा में अकाउंट खुलवाएगा। अब इमोशनली ब्लैकमेल होके अपने दोस्त के रेफरल कोड से जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेता है। ऐसी एक और लड़का है श्याम। यहाँ पर शाम को पहले से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट था। वो टीवी में एड देखकर या फिर अपनी पर्सनल रिसर्च करके जो उसको सबसे बेस्ट ब्रोकर लगता है उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेता है। अब आप देखो जनरली क्या होता है, जो भी शेयर मार्केट में नया नया आता है, नया नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है तो वो इन्हीं दोनों लोगों की तरह होता है। या तो राजू की तरह उसके दोस्त शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं और वो उनके हिसाब से ब्रोकर चुन लेता है, या तो उसे श्याम की तरह पहले से शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से कोई भी एक ब्रोकर चुन लेता है। जब मैंने भी पहली बार जब अपना डीमैट अकाउंट खोला था मैं भी बिल्कुल श्याम की तरह था, मुझे शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। मैं ये जानना चाहता था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो ऐसे ही टीवी पर मैंने एक दिन किसी ब्रोकर का एड देखा, मैंने उस ब्रोकर का ऐप डाउनलोड किया, वहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और फिर इन्वेस्ट करना और सीखना दोनों स्टार्ट कर दिया। अब आप चाहे राजू जैसे हो या श्याम जैसे, लेकिन जब भी हम शेयर मार्केट में नए नए आते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है, या फिर हम खुद ही रिसर्च करते हैं या फिर हम यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं विच ब्रोकर इज बेस्ट, जीरोधा वर्सेस ग्रो, अपस्टॉक्स वर्सेस ग्रो। यूट्यूब पर ज्यादातर वीडियो में लोग कहेंगे कि आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा लो, एक बार आपको सिर्फ 300 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। अब लोग सोचते हैं यार ये तो सही कह रहा है, एक बार 300 रुपए दे दो उसके बाद कोई चार्जेस देने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती। अगर आप अभी एकदम नए नए इन्वेस्टर हो, अभी आप सीख रहे हो कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, अभी आप ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहते हो, तो देखो आपके लिए जीरोधा से बेस्ट कोई दूसरा ब्रोकर है। लेकिन वो दूसरा ब्रोकर है कौन, हम इस वीडियो में उसी के बारे में आगे जानेंगे और मैं आपको विद प्रूफ ये बताऊंगा कि दूसरा ब्रोकर बेस्ट क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रोकर की बुराई नहीं कर रहा। देखो कोई भी ब्रोकर जो है वो बेकार नहीं है। कुछ ब्रोकर किसी चीज में अच्छे हैं, दूसरा ब्रोकर किसी दूसरी सर्विस में अच्छा है। हम किसी भी ब्रोकर को बेकार नहीं कह सकते। हमें ये देखना है कि हम जैसे आम इन्वेस्टर के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। इसलिए हम अपने जैसे आम इन्वेस्टर को कैटेगरीज में बांटेंगे और फिर ये देखेंगे कि उनके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। तो सबसे पहले हम अपने जैसे आम इन्वेस्टर्स को कैटेगरीज में बांट देते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर जो अभी अभी इन्वेस्टिंग करना सीख रहे हैं, वो अभी शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा पैसे नहीं लगाते, ऐसे लोग शेयर मार्केट में बहुत कम पैसा लगाते हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से 100, 200, 500 या फिर 1,000 रुपए लगाएंगे और सीखेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं काम करने वाले लोग, यानी सैलरीड पर्सन, जिनका फिक्स रहता है कि वो हर महीने 1,000, 2,000, 3,000 कुछ भी 5,000 से 10,000 रुपए तक इनका फिक्स रहता है कि हर महीने इतने पैसे सेव करने हैं, या तो हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या तो हम शेयर्स खरीद लेंगे। इसके बाद आते हैं रेगुलर इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट से ही पैसा कमाने की सोचते हैं। वो डेली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं 10,000, 20,000, 50,000, जो डेली लाखों का ट्रेड करते हैं। अब क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल है, ये अपना पूरा टाइम शेयर मार्केट को देते हैं, इसलिए ये यहाँ से अर्न भी करते हैं। अब ऐसे लोगों के ट्रांजेक्शन ज्यादा
ज्यादा होते हैं, तो इन लोगों को ऐसे ब्रोकर चाहिए जिनका इंट्राडे चार्जेस बहुत ही कम हो। अब देखो इन तीनों कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा ब्रोकर है, इसी को जानने के लिए हम सभी ब्रोकर्स का हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। सपोज करो ये है जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स। अब देखो डाउनलोड्स के हिसाब से देखा जाए तो जीरोधा के भी 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं, ग्रो के भी 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड है और एंजल वन के भी 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, लेकिन अपस्टॉक्स के इनसे आधे डाउनलोड है, 50 लाख डाउनलोड है। अब देखो डाउनलोड से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐप पॉपुलर है। अगर हमें ये देखना है कि कौन सा ऐप लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक्टिव यूजर्स को देखना पड़ेगा। देखो अगर जीरोधा के एक्टिव यूजर्स को देखा जाए तो उसके एक्टिव यूजर्स हैं 62,77,000, यानी कि ऑलमोस्ट 63 लाख जीरोधा के एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं अगर ग्रो के पास एक्टिव यूजर्स देखे जाएं तो उसके पास 38,48,000 के अराउंड एक्टिव यूजर्स हैं और एंजल वन लगभग 36,57,000 लोग इसे एक्टिवली यूज करते हैं। वहीं अगर अपस्टॉक्स को देखा जाए तो अपस्टॉक्स पर भी ऑलमोस्ट 52 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब आई एम श्योर कि आपको इन एक्टिव यूजर्स को देखकर समझ आ गया होगा कि कौन सा ऐप लोगों में पॉपुलर है, लेकिन अभी से ये डिसाइड कर लेना कि यही ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है, ये डिसीजन आपका थोड़ा गलत हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं। अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पर आपको 200 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ेंगे और 100 रुपए आपको कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 300 रुपए जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के लिए देने पड़ेंगे। वही ग्रो की बात करें तो ग्रो में आप बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, आपके 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। वही एंजल वन में भी फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन अगर अपस्टॉक्स को देखा जाए तो वो अपनी पॉलिसी बदलता रहता है, वो कभी फ्री कर देता है तो कभी 250 रुपए लेता है तो कभी 500 रुपए भी ले लेता है। अब चलो ये तो एक बार का चार्जेस था, आपको अकाउंट खोलने के लिए इतने सारे रुपए देने थे, लेकिन क्या होता है कि कुछ ब्रोकर ऐसे भी होते हैं जो हर साल आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। देखो जीरोधा की बात करें तो जीरोधा आपसे 300 रुपए प्लस GST हर साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर लेता है। वहीं अगर ग्रो को देखा जाए वो आपसे 1 भी रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर नहीं लेता है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एंजल वन भी आपसे 300 रुपए प्लस GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है। और अपस्टॉक्स का क्या है कि अपस्टॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था वो पॉलिसी बदलता रहता है, तो अपस्टॉक्स में अगर आप ऑफर के समय अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पर आपको AMC चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर आप ऑफर के बिना खुलवाते हो वहां पर आपको 25 रुपए पर मंथ प्लस GST आपको पे करना पड़ता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर देखो म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो आप इन सभी ऐप्स का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जीरोधा जैसे ब्रोकर का अपना एक सेपरेट ऐप है जहां पर आप उनके एक अलग से ऐप को डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो में आप उन्हीं के ऐप के अंदर ही ग्रो में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल वन में भी म्यूचुअल फंड्स के लिए दूसरा ऐप है, अपस्टॉक्स के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर कि ब्रोकर किस टाइप का है। अब देखो जनरली जो ब्रोकर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर वो होते हैं जो अपना फुल सर्विस देते हैं, यानी कि वो आपको रिसर्च करके देंगे, बहुत सारी आपको एनालिटिक प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी एडवाइजिंग सर्विस देंगे और इसके बदले वो आपसे थोड़े से ज्यादा चार्जेस लेते हैं। लेकिन वो डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं वो आपको ये सारे फीचर्स नहीं देते, जिसकी वजह से इनके चार्जेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब वापस से अपने कंपैरिजन के पास चलते हैं और देखते हैं जीरोधा जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन एंजल वन जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है, हालांकि ये भी डिस्काउंट सर्विस देता है, और अपस्टॉक्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इसको जानने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, इनके ब्रोकरेज चार्जेस। अब देखो इन ब्रोकरेज चार्जेस को समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे फ्यूचर में तो आपको चार्जेस भी उतना ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अब इनके एक बार चार्जेस को समझते हैं। देखो जो जीरोधा है वो आपसे इक्विटी डिलीवरी का मतलब होता है अगर आप शेयर्स को एक दिन से ज्यादा के लिए खरीदते हो तो आपके ऊपर कितना चार्ज लगेगा। तो देखो जीरोधा आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं करता, ये बिल्कुल फ्री है। ग्रो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के 0.05% चार्ज करता है। एंजल वन पर भी ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, लेकिन अपस्टॉक्स पर ये चार्ज 2.5% है, ये सबसे ज्यादा चार्ज लेता है अपस्टॉक्स। अब देखते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस कितना होता है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया, इस सिचुएशन में आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जीरोधा यहाँ पे 0.03% चार्ज लेता है, ग्रो यहाँ पे 0.05% का चार्ज काटता है और एंजल वन भी यहाँ पर 0.25% का चार्ज काटता है। अपस्टॉक्स यहाँ पर 0.05% का चार्ज काटता है। अगर आप इन चार्जेस को देखोगे और देखकर ये डिसाइड करते हो कि यार जीरोधा बढ़िया है या अपस्टॉक्स बेकार है, तो ऐसे ये डिसाइड करना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। मतलब अगर आप ज्यादा अमाउंट में शेयर को बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो ये चार्जेस उतना ज्यादा मैटर भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम आपसे 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन काट सकता है। मतलब 20 रुपए से ज्यादा आपसे कोई भी ब्रोकर चार्जेस नहीं काट सकता, चाहे उसका इक्विटी डिलीवरी का चार्ज कितना।
भी हो, चाहे इंट्राडे का कितना भी चार्जेस हो। अब देखो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए सभी ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके ब्रोकरेज चार्जेस को एक बार कैलकुलेट करते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर और जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब हम यहाँ पर जीरोधा के सभी चार्जेस को देख सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो इंट्राडे इक्विटी होती है जनरली उन लोगों को ज्यादा काम आता है जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, वही डिलीवरी हम जैसे आम इन्वेस्टर के काम आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम उसे 1000 की जगह 100 कर देते हैं और यहाँ 110 कर देते हैं और क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी हम ऐसा करते हैं 1000 कर देते हैं। अब हम इस एग्जांपल को लेकर चलेंगे। अब देखो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपए के 1000 शेयर्स खरीदे और इन्हीं शेयर्स को आज ही के दिन 110 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए, यानी कि आपने लगभग 100000 रुपए के शेयर खरीदे। जब उन्हें बेचा तो 110000 में बेचा, यानी कि 110 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 110000 रुपए आएगा। आपने 100000 के शेयर्स खरीदे और उन्हें 110000 में बेचा तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपने टोटल 210000 का ट्रेड किया, मतलब इतने की ट्रांजैक्शन आपने करी। तो ये टर्नओवर वही था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लोगों को समझ नहीं आता कि ये है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया। और ये ब्रोकरेज चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रोकर होता है वो चार्जेस काटता है, तो यहाँ पर जो जीरोधा ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस काटे हैं इंट्राडे में वो 40 रुपए काटे हैं, बाकी एसटीटी जो है वो 28 रुपए काटे हैं, एक्सचेंज चार्जेस वो 7.24 रुपए के लगभग काटे हैं, जीएसटी 8.5 रुपए लगे हैं, सेबी चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं, जनरली वो 0.25 पैसा लगा है, स्टाम्प ड्यूटी 3 रुपए लगी है और टोटल टैक्स जो है यहाँ पर टोटल टैक्स चार्जेस जो है वो यहाँ से लेकर ब्रोकरेज से लेकर स्टाम्प ड्यूटी तक जोड़ने के बाद टोटल जो आया है वो 36.99 रुपए है, यानी ऑलमोस्ट 87 रुपए इन्होंने चार्जेस काटे हैं। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे पैसे जीरोधा ने नहीं काटे, इसमें कुछ पैसे जीरोधा ने काटे, बाकी इसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट ने टैक्स के तौर पर काटे हैं, बाकी कुछ सेबी के चार्जेस होते हैं, ये सभी चार्जेस इसमें इंक्लूडेड हैं। सभी चार्जेस काटने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा, अब देखो इसमें हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, हमने 100000 के शेयर खरीदे थे और 110000 में बेचा, यानी कि 10000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 10000 के प्रॉफिट में से 87 रुपए हमें पे करने पड़े एज ए टैक्स और चार्जेस, तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 9913 रुपए का। वही अगर डिलीवरी इक्विटी में देखा जाए, यानी कि अगर आपने शेयर आज खरीदे हो और उन्हें एक दिन बाद या 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल के बाद अगर आपने उन्हें बेचा उस पर कितना प्रॉफिट होगा वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और आपने 110 में बेचा और टोटल यहाँ पर आपने 1000 शेयर खरीद लिए। देखो टर्नओवर तो सेम रहेगी क्योंकि ट्रांजेक्शन तो उतनी हुई, लेकिन जो डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्जेस हैं उसमें जीरोधा 1 रुपए नहीं लेता। ये एसटीटी क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 210 रुपए हो गया है, और यहाँ पर एक्सचेंज चार्जेस 7.5 रुपए, और यहाँ पर डीपी चार्ज क्या होता है, डिलीवरी चार्ज, ये सभी ब्रोकर काटते हैं, ये कोई स्पेसिफिक इसी ब्रोकर का नहीं है, ये सभी ब्रोकर काटते हैं, सभी ब्रोकर का ऑलमोस्ट फिक्स होता है। मैं आगे आपको वीडियो में सभी ब्रोकर का डीपी चार्ज बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन इस ब्रोकर डीपी चार्ज जो काटते हैं वो 15.93 रुपए काटते हैं। अब देखो आप इंट्राडे में ट्रांजैक्शन करते हो तो उससे ज्यादा जीएसटी लगता है, लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उस पे जीएसटी कम लगता है, सेबी चार्जेस भी उतने ही है, स्टैंप ड्यूटी बढ़ गई है। स्टैंप ड्यूटी क्यों बढ़ी, क्योंकि जो शेयर्स थे वो आपके पास आ चुके थे इसलिए स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पे जो टोटल टैक्स था, मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक जो भी सभी टैक्सेस थे स्टाम्प ड्यूटी तक, उन सभी को जोड़ने के बाद 250 रुपए ऑलमोस्ट जो टैक्स एंड चार्जेस था, ये टोटल 250 रुपए 10,000 रुपए में से कटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार वैसे तो सब कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स को 1 साल 2 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म में टैक्सेस ज्यादा कट रहे हैं और एक दिन के लिए खरीदो इसमें चार्जेस कम कट रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यही समझने वाली बात है। अब क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, जनरली लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में इतना ज्यादा रिस्क होता है कि ऑलमोस्ट 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं। अब देखो इंट्राडे में ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं और प्रॉफिट बनाने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर टैक्स कम होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, रिटर्न ज्यादा मिलता है। अब देखो बेसक आपको लग रहा होगा कि 250 रुपए बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, लेकिन क्या होता है कि डिलीवरी में हम शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, हम शेयर्स को कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद इन शेयर्स को बेचेंगे, तो इन शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर देखो अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो 10,000 पे हमें 250 रुपए का चार्ज पे करना पड़ रहा है, यानी कि 250 × 100 करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 10,000 से, तो हमें पता चलेगा कि जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है उसका 2.5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। डिलीवरी में क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर प्राइस सिर्फ 10 रुपए लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेगा। मान लो अगर आपने 5 साल बाद 10 साल बाद उस शेयर का प्राइस जो है वो डबल हो जाए, अब डबल हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, जो
टैक्स पे करना पड़ा वो सिर्फ 350 रुपए पे करना पड़ा, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए का हो रहा है। यहाँ पर अगर हम चार्जेस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 350 मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लॉन्ग टर्म में 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 1,00,000 से हम इसे डिवाइड करें तो 0.35%। अगर हम इससे पहले हिस्ट्री चेक करें कहाँ हमें पहले टैक्स पे करना पड़ रहा था, 2.5%। लॉन्ग टर्म जितना ज्यादा होगा शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, हमें उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो 0.35% टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसलिए ये चार्जेस बेशक आपको कम अमाउंट में ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके शेयर का प्राइस 2 गुना ज्यादा बढ़ जाए तो ये चार्जेस हमें बहुत कम लगते हैं, बहुत कम पता चलता है। अब आई एम 100% श्योर कि आपको ये सभी चार्जेस क्लियर हो गए होंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि डिलीवरी में कौन से शेयर्स के कितने चार्जेस कटते हैं। यहाँ पर हमने देखा 250 रुपए कट रहे हैं डिलीवरी में, पर इंट्राडे में कट रहे हैं 87 रुपए। ऐसे ही हमें एक बार ग्रो का भी चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल लिया है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले हम इंट्राडे का कैलकुलेट करते हैं। इंट्राडे में हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, हमने 1,000 शेयर खरीदे थे, यहाँ पे हमने 1,000 डाल दिए। शेयर खरीदने का प्राइस हमने डाल दिया 100 रुपए और शेयर बेचने का प्राइस हमने डाल दिया 110 रुपए। तो देखो यहाँ पर टर्नओवर भी सेम रहेगी क्योंकि इतने की ट्रांजैक्शन हुई है, प्रॉफिट हमें 10,000 का हुआ है, चार्जेस हमारे 87 रुपए यहाँ पर कट रहे हैं। इंट्राडे में जाके जीरोधा का देखा जाए तो 87 रुपए यहाँ पर भी कट रहे थे। ग्रो अपने चार्जेस 40 रुपए ही काट रहा है, जीरोधा भी अपने 40 ही काट रहा था, बाकी जो एसटीटी वगैरह उतना ही है। देखो एसटीटी 28 रुपए ऑलमोस्ट एक्सचेंज चार्ज भी 7.25 पैसे कट रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखो तो उतने ही कट रहे थे। तो ऑलमोस्ट इंट्राडे में ग्रो भी उतने ही चार्जेस काट रहा है जितना जीरोधा काट रहा था। अब यहाँ पे डिलीवरी का करके देखते हैं तो डिलीवरी में यहाँ पर ग्रो जो चार्जेस काटता है वो 281 रुपए हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ग्रो के चार्जेस तो 40 रुपए ही हैं, लेकिन बाकी जो टैक्सेस हैं, बाकी जो दूसरे सेवी चार्जेस हैं, उन सबको मिलाने के बाद टोटल चार्जेस 281 रुपए का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है, वो यहाँ कोने में लिखा हुआ है डीपी चार्ज 13 रुपए प्लस जीएसटी है, जो कि ऑलमोस्ट 16 रुपए के करीब होता है। अगर इसको देखा जाए तो लगभग 10,300 रुपए के पास ग्रो में चार्जेस के तौर पर कटते हैं। अब ऐसे हम यहाँ पर अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी भी क्वांटिटी 1,000 की कर देते हैं, बाइंग प्राइस 100 का कर देते हैं, सेलिंग प्राइस 110 का कर देते हैं। अपस्टॉक्स के जो चार्जेस हैं इंट्राडे के ऑलमोस्ट 89.82 रुपए हैं। मतलब अगर अपस्टॉक्स को देखा जाए तो अपस्टॉक्स के अंदर इंट्राडे के चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं बाकियों के कंपैरिजन में। अब हम यहाँ पे इंट्राडे की जगह डिलीवरी करके देखते हैं। डिलीवरी में जो अपस्टॉक्स के चार्जेस हैं तो वो ऑलमोस्ट 300 रुपए हैं। डिलीवरी में अगर देखा जाए तो सबसे कम चार्जेस थे जीरोधा के, लगभग 250 रुपए थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिया था। हालांकि ग्रो जो है ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, इसलिए ग्रो और अपस्टॉक्स के चार्जेस जीरोधा के मुकाबले थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है, जीरोधा के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो 0 रुपए हैं, लेकिन ग्रो, अपस्टॉक्स और एंजल वन जैसे जो ब्रोकर्स हैं वो कहते तो 20 रुपए हैं कि मैक्सिमम इनके चार्जेस 20 रुपए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं तो 40 रुपए वो हमें चार्जेस दिखाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि ये जो 40 रुपए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, तो 40 रुपए वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपको लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा दो, मान लो आपका प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का हो रहा है, तब भी आपको सिर्फ 40 रुपए ही देने हैं, ये कोई चार्जेस बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कितना भी प्रॉफिट हो, ये ब्रोकरेज चार्जेस तो उतने ही रहने हैं। आपके जो चार्जेस बदलते हैं वो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं, सेबी के चार्जेस वही बदलते हैं। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि 40 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सोचो कि आप छोटे इन्वेस्टर हो तब तो आपको लगेगा कि आप इन्वेस्ट ही 1,500 करते हो तो उसमें आपको 40 रुपए चार्जेस पे करना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ये चार्जेस 40 रुपए से कम हो जाते हैं। सपोज करो आपने सिर्फ 1,000 रुपए मार्केट में लगाए और आपने सिर्फ 10 ही शेयर खरीदे, तो यहाँ पर देखो आपके जो चार्जेस हैं वो 3.97 रुपए हो गए। कहने का मतलब यही है कि ब्रोकरेज चार्जेस बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कम इन्वेस्ट करते हो तो ये 3-3.5 रुपए बड़ी बात नहीं है। अगर आप ज्यादा शेयर खरीदते हो और उन्हें लंबे समय के लिए रखते हो तो वैसे भी उतने बड़े प्रॉफिट के अंदर 40 रुपए उतने मैटर करते नहीं है। इसके अलावा एक होता है डीपी चार्ज। आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये चार्जेस यहाँ पर 16 रुपए लगे थे। तो ये डीपी चार्ज क्या होता है? बेसिकली ये वो चार्ज होता है जब आप एक दिन के बाद जब शेयर्स को बेचते हो तो ये चार्जेस तभी लगते हैं। और जीरोधा जो आपके डीपी चार्ज लेता है वो 13.5 रुपए प्लस जीएसटी लेता है, ग्रो भी 13.5 रुपए प्लस जीएसटी लेता है, और एंजल वन जो डीपी चार्ज लेता है वो 20 रुपए प्लस जीएसटी लेता है। अपस्टॉक्स के डीपी चार्जेस 18.5 रुपए प्लस जीएसटी है। अब इसके अलावा पेमेंट गेटवे चार्जेस भी हैं। अगर आप जीरोधा पर यूपीआई के अलावा और कहीं से पैसे ऐड करते हो तो वहाँ पे आपको 9 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप ग्रो में चाहे जैसे मर्जी चाहे पैसे ऐड करिए, वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एंजल वन पे भी अगर आप
UPI से पैसे ऐड करते हो तो वो फ्री है। अगर आप अपस्टॉक्स के ऐप में पैसे ऐड करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पर आपको ₹7 प्लस GST पे करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप UPI से करोगे तो वो फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि UPI आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करो, आप हमेशा UPI से पैसा ऐड करना। अब कंप्लेन के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो सभी ब्रोकर्स की जो कंप्लेन आती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये सभी ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कंपेयर किया जाए तो ग्रो की सबसे कम कंप्लेंट्स आती हैं। अब देखो, फाइनली सवाल ये उठता है कि इन सब में से बेस्ट कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी इन्वेस्ट करना सीख रहे हो, आप कम पैसे इन्वेस्ट करोगे, 1,000, 2,000, 500 इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रो जैसे ब्रोकर बेस्ट रहेंगे। ना ही आपको ₹300 अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा और ना ही ₹300 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आप ऑलमोस्ट ₹600 बचाओगे। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आप इन ₹600 को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप इन्हीं ₹600 से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। एक बार अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना आ गया, आप शेयर मार्केट से फैमिलियर हो गए, फिर आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। और जब आपको लगे हाँ भाई मेरे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं, तो आप जीरोधा जैसे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हो, आप हमेशा चाहते हो कि 5,000, 10,000 हर महीने शेयर मार्केट में लगाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए जीरोधा जैसे ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे। अगर आप कभी लाखों में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 300-350 मेंटेनेंस चार्ज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तीसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप अगर ट्रेडर हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा अपस्टॉक्स, क्योंकि अगर आप अपस्टॉक्स यूज करते हो तो अगर आपके पास कम पैसे हैं फिर भी वहाँ पर अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है। ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा मैक्सिमम चार्जेस सभी ब्रोकर्स एग्जैक्टली सेम ही चार्ज करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाएं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।